हाँ आपके लिए कैसे? लेटर है सर। सागर, मैं ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे डर है। यहाँ के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सागर और सेक्रेंड कुट्टी, तुम दोनों अलग हो गए हो, आपस में झगड़ रहे हो। तुम्हें सब बहुत परेशान कर देंगे। तुम्हारे बारे में सोचकर बेचैनी होती है, रात में नींद भी नहीं आती। सागर, तुमसे मिलना चाहती थी। देख लिया ना, अभी शांति हो गई है ना। पहली वाले ने मुझे एक लेटर लिखा है जिसके अंदर जो लिखा था उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे ऐसे कोई आशिक लेटर लिखता है क्या? बताओ जूली, तुम क्यों बेकार की बातों में आकर चिंता कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। मैं और सेकरन बूटी दोनों अलग नहीं हुए, हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। उसने बस अपना पार्टनर अलग ढूंढा है ताकि वो नया धंधा शुरू कर सके, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं तुमसे शादी करूंगा तब इस धंधे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ, अभी तो शांति मिल गई? हे भगवान, कुछ भी हो लेकिन इस बार मैं बच गया। पहली बार मेरी प्यारी माशुका के चेहरे में उदासी बिल्कुल नहीं है, आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है। मैं चलूंगा। यस, कमिंग, बैठो। जॉर्ज, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, अगर मैं घर आया तो मुझे हर कोई देखता। आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। जॉर्ज, इस नंबर को मुझे ट्रैप करके देना है। इसमें सीएम का रेसिडेंट नंबर भी है। हाँ, सेकरन मुट्टी भी वहीं पर रहता है। सीएम का पॉलिटिकल और उनके पॉलिटिकल काम काज में मुझे दिलचस्पी नहीं है। सेकरन मुट्टी के बिजनेस में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे खिलाफ कुछ साजिश चला तो पता चल जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्या हुआ जॉर्ज, तुम्हें कोई तकलीफ हो गई क्या? इससे पहले भी तो तुमने किया है ना जॉर्ज। जॉर्ज, इतनी तकलीफ हो रही है तो नहीं चाहिए, जा सकते हो। सुभाष, दुबई एयरपोर्ट पे एक आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। वो आदमी बागीचे से आए हुए ऐसा पूछेगा, हाँ कहकर बोलना उसे। इस डॉलर का दूसरा हिस्सा वो देगा, सही है क्या? वो मिलाकर देखना, अगर जुड़ गया तो ये पेटी उसको दे देना, समझे? वैसे कोई परेशानी हुई, कस्टम वाले पकड़े तो क्या बोलना है ये तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, जैकी ने दिया ऐसा बोलना है। एग्जैक्टली, चाहे जितनी भी जबरदस्ती कर ले कुछ भी नहीं बोलने का, तुम्हारे टिकट पेपर सब रिसेप्शन पे है। जाओ। स्पेशल ब्रांच नारकोटिंग कोर्ट सीओ। सर, एक इन्फॉर्मेशन है, कल एक लड़का जो दुबई आने वाला है, सुभाष नाम का एक लड़का जिसके हाथ में एक बॉक्स होगा, उसके हाथों तस्करी हो रही है। छोटा लड़का है, छोटी उम्र की। जी हाँ, सॉरी वो बोल नहीं सकता, अगर आपके पास टाइम है तो पकड़िए। तोशी चाचा, वो लड़का जैकी का नाम ही बोलेगा या फिर तीन फटका पड़ते ही हम दोनों का नाम भी बोल देगा? अरे कोशी चाचा के बारे में तुमने समझ क्या रखा है?
अगर जैकी एक कदम चलेगा तो मैं 10 कदम आगे चलूंगा। कल इस वक्त जैकी जेल की हवा खा रहा होगा। लगता है चाचा पुंगी बजा के रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए आंख बंद करके भरोसा मत करो। मेरी बात को समझो, 7 साल के लिए अंदर जाओगे। जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोल रहा हूँ, समझ जाओ। 2 कॉल किए गए थे, दोनों फोन एक ही आदमी ने किया, एक होटल फोरवेल में, उसका नाम मिस्टर सुभाष, दूसरा कहला है नॉर्कोटिक्स के मेन ब्रांच के लिए। अटेंडेंट ने ही कॉल रिसीव किया है। क्या बात हुई उनके बीच? कल दुबई जाने वाली फ्लाइट में एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके हाथों तस्करी हो रही है, ये बोला था वो। कौशिक खुद ने उस सामान को उस आदमी के हाथों भेजा कर पुलिस को कॉल किया। स्पेशल गार्ड सुभाष को पकड़ेगा तो उसे किसने भेजा है तो वो बताओ क्या नाम लेगा? जैकी ने दिया ऐसा बोलेगा। एग्जैक्टली, वो ऐसा ही बोलेगा लोरेंस। उस चाचा का घटिया दिमाग काम करने लग गया है, अभी हमें बहुत सिर दर्द होगा। जैकी ने दिया। कौन सा जैकी? अबे कुत्ते की औलाद, दुनिया में गिरे से गिरे क्रिमिनल भी तुम्हारे जैसे नीचा काम नहीं कर सकता। साथ में रहने वाले एक दोस्त को गुस्से के कारण उसके पीठ पे वार किया तुमने, वो भी एक तीसरे आदमी का बदला लेने के लिए। अगर तू सच्चा मरता है तो सामने से इस तरह मासूम लोगों की बलि मत चढ़ा, समझा? सैकरन बूटी, एक बात याद रखना, जब से तेरी मुलाकात शनि से हुई है ना, तुम्हारे अंक की गिनती शुरू हो गई है। नाउ यू स्टार्ट योर काम नाउ। तोशी चाचा, मैंने पूछा था ना ये जरूरी है, अभी क्या हुआ? मुझे मारने के लिए सामने से आ गया, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। हम यहाँ पर सोचने में लगेंगे और वो अपने काम पर लग जाता है, वही जैकी है। 200 गुना फायदा मिलेगा इस बात को सुनते ही, उससे दुश्मनी मोल लिया। Exactly, तुम लोग जरा भी। अभी मैं उसके काम को देख लेता हूँ। सैकरन बुट्टी, मैंने तुम्हें उस दिन बोला था इस चाचा का साथ मत दो, बहुत नुकसान हो जाएगा और जो हमारे हाथ में वो भी चला जाएगा। मैंने तुमसे बोला था लेकिन नुकसान तुम तेरी तो मैंने सच बोला, इसलिए मत मारो। अगर चाचा का गुस्सा निकालना है तो मुझे मार सकते हो।